रक्षाबंधन 2023। कब है रक्षाबंधन, किस समय है शुभ मुहूर्त, कब बांधे भाई को राखी, दूर करे सारे कन्फ्यूजन। रक्षाबंधन 2023 इस साल 30 को भाई को राखी बांधनी है या 31 को, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राखी कब है, क्या है इसकी विधि, किस कारण से रक्षाबंधन की डेट को लेकर है कन्फ्यूजन, क्या है भद्रा काल, इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार स्नेह का प्रतीक है। यह त्यौहार हर वर्ष की भांति श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार श्रावण माह 2 महीने का है, जिसमें बीच में भद्रा पड़ रहा है, जिसके चलते रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर उलझन बनी हुई है। इसलिए इसकी तारीख को लेकर लोगों के बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न है। आखिर रक्षाबंधन कब है, किस समय है शुभ मुहूर्त, आइए पहले जानते हैं रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण या सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों को रक्षा का प्रण लेते हैं और उन्हें अच्छा सा उपहार भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्षाबंधन के दौरान भद्रा काल कब पड़ रही है। इस साल भद्रा काल होने के कारण रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 को, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी, जो 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक चलेगी। लेकिन जानकारी के अनुसार पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। इसमें हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधना शुभ नहीं रहता है। ऐसे में एक ही दिन पूर्णिमा और भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। तो फिर रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 9:01 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। लेकिन 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है, इस समय भद्रा काल नहीं है। इस वजह से 31 अगस्त को बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है, लेकिन राखी बांधते समय रक्षाबंधन मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है कब है, आइए जानते हैं। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त है रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक। भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शूर्पनखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहनों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन पड़ने से भाई की उम्र कम हो जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन किसने बनाया था। सबसे पहले रक्षाबंधन देवराज इंद्र और उनकी बहन इंद्राणी ने मनाया था। इस संसार में सबसे पहले इंद्राणी ने देवराज इंद्र को राखी बांधी थी। हिंदू पुराण के अनुसार युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की युद्ध में रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। यह भाई बहन के प्यार के प्रतीक के साथ भाई की सलामती का भी त्यौहार है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन के दौरान किस धागे की राखी बांधनी शुभ रहती है। राखी बांधने के लिए सूती या रेशम के धागे की राखी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कलेवा का भी राखी बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। वहीं आप चांदी या सोने से बनी राखी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राखी बांधने से पहले कैसे करें तैयारी। सबसे पहले राखी बांधने के लिए थाली को तैयार करें। इसके लिए आप थाली में रोली, चंदन, अक्षत और रक्षा सूत्र रखें। घी का दीपक आरती के लिए रखें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाली सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। अच्छा, थाली में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। रोली या हल्दी,
दही या मिठाई, साबुत चावल यानी कि अक्षत, पूजा और आरती के लिए घी का दिया और राखी रखें। आइए राखी बांधने की विधि क्या है वो भी जानते हैं। राखी वाले दिन भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। पूजा की थाल लेकर पास के मंदिर में जाएं और पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक राखी कृष्ण भगवान को और एक गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लें। भगवान को राखी अर्पित करने के बाद ऊपर बताए गए मुहूर्त के अनुसार भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करवा कर बिठाएं। ध्यान कर रखें कि राखी बांधने के दौरान भाई और बहन दोनों के सिर साफ सुथरे कपड़े से ढके होने चाहिए। अब भाई को तिलक लगाकर उसको राखी बांधें और आरती उतारें। इसके उपरांत भाई को मिठाई से मुंह मीठा करें। रक्षा बंधवाने के बाद माता पिता या घरों के बड़ों का आशीर्वाद लें। रक्षाबंधन के दिन किन किन बातों का रखना है ख्याल, आइए। राखी बांधते समय अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने। रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें। राखी से पहले जब भाई की पूजा करें तो उस समय अक्षत यानी चावल के दाने टूटे हुए ना हों। आरती करते समय थाल में रखा हुआ शुद्ध हो, जो टूटा हुआ ना ही होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई या बहन का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इस दिशा में मुख करते हुए राखी बांधने पर उम्र कम हो जाती है। राखी बांधते समय भाई को टीका लगाते समय रोली या चंदन का इस्तेमाल करें। इस समय सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारी बहन अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे और सभी भाई भाइयों की दीर्घायु हो। थैंक यू।